हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छी सेहत का राज क्या है, आप अपनी सेहत को अच्छी कैसे बना सकते हैं, तो कोई लोग कहेंगे कि एक्सरसाइज करके, कोई कहेंगे डाइट से, या कोई कुछ और भी तरीके बताएंगे। बहुत सारे तरीके हैं हेल्थ को अच्छा रखने के, लेकिन सबसे पहला तरीका है अपनी आपकी डाइट। क्योंकि अगर आपकी डाइट ही सही नहीं है, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन भी सही नहीं है, तो आपको कोई हेल्थ बेनिफिट मिल नहीं सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट चाहिए तो आपका गट हेल्थ अच्छा होना चाहिए। गट हेल्थ अच्छा होने के लिए आपका जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। आज मैं पूरी डाइट की बात नहीं करती हूँ, आज मैं आपके साथ बात करती हूँ कि हमारे यहाँ पर कुछ एक छोटे छोटे ऐसे सीड्स मिलते हैं जिनको अगर हम खाएं तो हमें इतने हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, इतने मिलेंगे कि हम कभी बीमार ही नहीं होंगे। और हम यही चाहते हैं कि बीमार ना हो, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एक बार बीमार हो गए तो दवाइयों का चक्कर चल जाता है, और उस चक्कर में फंस गए तो एक के बाद बीमारियां लगती रहती हैं। एक को ठीक करने गए, दूसरी आ गई, दूसरी को ठीक करने गए, तीसरी आ गई, और कुछ नहीं तो बाल ही गिरने शुरू हो गए, और कुछ नहीं तो हेल्थ स्किन में ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो ऐसी कोई समस्या नहीं हो, उसके लिए सबसे पहले अपनी डाइट को सुधारना जरूरी है। और आज जो मैं सीड्स की बात कर रही हूँ, आज मैं आपको 7 ऐसे सीड्स के बारे में बताऊंगी जो आपने बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं, एक एक चम्मच ही खाना है, लेकिन वो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये सीड्स देखने में तो बहुत छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे नन्हे दाने होते हैं, लेकिन ये नन्हे दाने जो हैं वो गुणों का भंडार होते हैं। इसके अंदर मोनोसैचुरेटेड, पोलोसैचुरेटेड फैट होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी है। इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, इनके अंदर विटामिंस होते हैं, इनके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, इनमें प्रोटीन भी होता है, इनमें गुड फैट भी होता है। और जब ये आप सारी चीजें खाते हैं तो आपकी डाइट जो है वो एक तरीके से बैलेंस होती चली जाती है। जितनी बैलेंस डाइट होगी उतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए, कौन कौन से सीड्स हैं उनकी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सीड्स की बात करें तो सबसे पहले आजकल जो बहुत ज्यादा चले हुए हैं, जिसको सुपर सीड भी कहते हैं, सुपर फूड भी कहते हैं, वो है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड को पतला होने वाले बीज भी कहते हैं, क्योंकि आम भाषा में जो ये मेले वेले में बिकते हैं ना, वहां पर तो लिखा ही होता है पतला होने के बीज। ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, कैसे इनको खाना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा खाने का तरीका भी सही नहीं हुआ तो बीज खाए और ऐसे कैसे निकल गए तो कोई फायदा नहीं होगा। कैसे खाने चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्लैक्स सीड के साथ ये जरूरी है कि इसको आप रोस्ट करके खाएं, क्योंकि इसका छिलका थोड़ा हार्ड होता है। अगर आपने ऐसे ही खाए तो वो इतनी जल्दी हजम नहीं होंगे। जब हजम ही नहीं होंगे तो फिर फायदा कैसे करेंगे। फ्लैक्स सीड के अंदर ओमेगा 3 काफी मात्रा में होता है, इससे आपको प्रोटीन काफी मात्रा में मिल जाता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल्स होते हैं। इनमें फाइबर काफी मात्रा में होता है। अगर आप फ्लैक्स सीड को खाते हैं तो इतना फाइबर आपको मिलता है जो आपकी डेली नीड का आधे के बराबर हो जाता है। और जितना ज्यादा फाइबर खाएंगे उतना आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि ये गुड फाइबर जो है वो आपके गुड बैक्टीरिया की खुराक होता है। जब उनको अच्छी खुराक मिलेगी तो वो अच्छे से काम करेंगे, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे। और जब डाइजेशन इम्प्रूव होगा तभी तो ना न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे और तभी तो उनके फायदे मिलेंगे। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। सही तरीके से यूज किए जाए तो वेट लूज करने में मदद करते हैं और साथ में आपको ढेरों हेल्थ बेनिफिट भी देते हैं। नंबर 2 पर आते हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स का आपने नाम बहुत सुना होगा। ये आजकल की कोई नई खोज नहीं है। इजिप्ट वगैरह में तो सोल्जर्स को खिलाया जाता था, जब वो वॉर के लिए जाते थे तो उनको चिया सीड खिलाते थे ताकि लंबे समय तक उनको भूख नहीं लगे, लंबे समय तक उनकी एनर्जी मेंटेन रहे और लंबे समय तक वो पूरी एनर्जी के साथ युद्ध कर सके। तो जो चीज सोल्जर्स के लिए इतनी अच्छी थी वो आम जनता के लिए भी अच्छी होगी। ये आजकल की नई खोज में इसलिए आता है कि रिसेंटली इसके बारे में बहुत लोग बात करने लगे हैं। जब वेट लूज करने की बात आती है तो चिया सीड की भी बात आती है। आप चिया सीड खाओ, आपका वेट लूज हो जाएगा। कैसे लूज हो जाएगा? क्योंकि चिया सीड में एसेंशियल मिनरल्स हैं, इसमें अमीनो एसिड्स हैं, इसमें आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। ये सारी चीजें आपकी हेल्थ को और आपके हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखती हैं। चिया सीड की एक खास बात है कि अपने वजन, अपने साइज से 20 गुना तक फूल जाते हैं जब इनको पानी में डाला जाता है।
और इनका एक जेली फॉर्म में ये बन जाते हैं, और जब उसको हम अपने किसी भी चीज के साथ, चाहे वो दही के साथ मिला के खाएं, चाहे सैलेड में खाएं, चाहे इसको स्मूदी में खाएं, जिस भी चीज के साथ खाएंगे, तो ये खाते ही एकदम हमें फुलनेस की फीलिंग देता है। ऐसा लगता है बस पेट भर गया और काफी लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। इनके अंदर अपने जो कैलरीज हैं बहुत कम होती हैं, और जब हम इसको खा लेते हैं तो एक्स्ट्रा कैलरी, एक्सेस कैलरी या एम्प्टी कैलरी खाने की जरूरत नहीं होती है और हमारा वेट मैनेज हो जाता है। उसके बाद नंबर थ्री पर आते हैं सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड भी फाइबर रिच होते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये भी गुणों का भंडार होते हैं। इनमें हेल्दी फैट और फाइबर काफी मात्रा में होता है, इवन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी ये अच्छे होते हैं। आप इनको रोस्ट करके खाएं तो इनका टेस्ट बढ़ता है, वैसे इनको कच्चा भी खाया जा सकता है, लेकिन रोस्ट करने से इनके जो फ्लेवर और इनका टेस्ट इनहेंस होता है और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। नंबर फोर पर आता है पंपकिन सीड्स। हरे रंग के होते हैं, छिलके के साथ नहीं, छिलका निकाल के होते हैं, क्योंकि सफेद जो आपको दिखेंगे उसमें छिलका होता है ऊपर, और ग्रीन वाले में छिलका नहीं होता है, आपने बिना छिलके के लेने हैं। ये सीड्स भी बहुत हेल्दी होते हैं, अगर आप दो चम्मच ये सीड खाते हैं दिन में तो आपकी लगभग 30% आयरन की जरूरत दिन भर की पूरी हो जाती है, दो चम्मच से ही पूरी हो जाती है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, इनके अंदर भी मिनरल्स और विटामिन्स बहुत सारे हैं, इनमें भी प्रोटीन काफी मात्रा में है। एंटीऑक्सीडेंट चीजें जितनी भी होती हैं वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करती हैं। अगर हमने ऐसा कुछ खा लिया जो हजम नहीं हो रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर पड़ के सड़ रहा है, वो टॉक्सिन्स बनाते हैं, उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चीजें अगर हम खाएंगे तो वो टॉक्सिन्स जल्दी निकलेंगे। और इनमें भी क्योंकि फाइबर ज्यादा मात्रा में है तो ये वैसे भी आपको मदद करेंगे। ये माइंड को भी शार्प करते हैं, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, हार्ट के लिए भी अच्छे हैं। आप किसी भी चीज का नाम लो उसके लिए ही अच्छे हैं, ये आपके बालों के लिए भी अच्छे हैं। नंबर पांच पर आता है बेसिल सीड्स, यानी कि जिसको तुक मलंगा भी कहते हैं, जिसको सब्जा सीड भी कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज लगभग चिया सीड के जैसी होती हैं, आप चिया सीड ले लें या ये ले लें, लगभग बराबर होते हैं। 19-20 का कोई फर्क होता है, वो ज्यादा फर्क नहीं है, आपको जो आसानी से मिले वो आप ले सकते हैं। ये भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर रिच होते हैं, मिनरल रिच होते हैं, ओमेगा 3 इसमें होता है, और ये वेट लूज करने में बहुत मदद करते हैं। ये भी पानी में डालने के बाद अपने साइज से 10 गुना 15 गुना तक फूल जाते हैं और एक जेली के फॉर्म में आ जाते हैं, जो आपको एक फुलनेस की फीलिंग देते हैं। इनमें प्रोटीन, एसेंशियल फैट्स और कार्ब्स भी काफी मात्रा में होते हैं, कैलरी नहीं होती। जब कैलरी नहीं खाएंगे तो क्या होगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो ये आपके वेट लूज करने की जर्नी को तेज कर सकते हैं, वेट लूज करने में मदद कर सकते हैं, अगर आपका वेट सही है तो उसको बढ़ने नहीं देंगे। उसके बाद आता है नंबर सिक्स पर सेसमे सीड यानी कि तिल। कुछ लोग कहेंगे गर्मियां हैं, गर्मियों में तिल नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप सोख करके एक चम्मच तिल रोज खा सकते हैं, लेकिन सोख किया हुआ होना चाहिए, और उसको खाना है कैसे वो इम्पोर्टेंट है, कि उसको इतना चबाना है कि वो आपके मुंह में ही दूध बन जाए और फिर उसको आपने पीना है। सेसमे सीड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे हैं, बीपी मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे हैं, और आपकी बोन हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैंने इसके बारे में कई वीडियो बनाए हुए हैं, ज्वाइंट पेन के लिए रेमेडीज बनाई हुई हैं, रेसिपीज बनाई हुई हैं, जिसमें सेसमे सीड को यूज किया हुआ है, क्योंकि ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, बोन्स को मजबूत करते हैं। बोन्स में जो कटकट की आवाज आ रही है या घुटने में ग्रीस कम हो गई, उन सब को रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो सेसमे सीड भी एक अच्छा ऑप्शन है अपने डाइट डेली रूटीन में शामिल करने के लिए। और नंबर सात पर, ये भी सीड है लेकिन ये ताजा फ्रूट का सीड है, ये है अनार, अनार के दाने, अनार का बीज। अनार जो है वो आयरन रिच होता है, आपने कभी छील के देखा होगा ना, छीलते छीलते भी हाथ काले काले हो जाते, क्योंकि इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है। ये आपके ब्लड को रिच करता है, हीमोग्लोबिन को सही करता है। किसी में अगर आयरन की कमी है, किसी को एनीमिया हो गया है, या किसी को थकान रहती है, बहुत कमजोरी रहती है, तो उसके लिए तो जो अनार के बीज है बहुत फायदेमंद है। और उसके साथ साथ अगर आपको थकान ज्यादा रहती है तो आप अनार के छिलके को अच्छे से धो लें, फिर उसके एक हर्बल टी बनाएं और उसको डेली यूज करें, तो वो भी आपको
बहुत फायदा करेगी। तो इस तरीके से ये सात ऐसे सीड्स हैं जिनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, लेकिन वो थोड़ी सी मात्रा ही आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देने वाली है, आपके वेट को मैनेज करके रखने वाली है, अगर बढ़ गया तो उसको कम करने वाली है, आपके हर चीज के लिए, चाहे वो बीपी की बात हो, चाहे वो हार्ट की बात हो, चाहे वो बालों की बात हो, आपकी स्किन की बात हो, डाइजेशन की बात हो, मेटाबॉलिज्म की बात हो, किसी चीज की आप बात करें, ये सात सीड उन सबके लिए बहुत फायदेमंद है। और आपने ढेरों ढेरों तो लेना नहीं है, एक एक चम्मच आपने लेना है डेली, और इसीलिए ये आपके पॉकेट फ्रेंडली है। साथ के साथ नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चार मिल जाते हैं, पांच मिल जाते हैं, जितने आपको मिल जाते हैं आराम से आप उतने खाना शुरू करो और हेल्थ बेनिफिट लेना शुरू करो। हेल्थ अच्छी हेल्थ के साथ आप मेरे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।